ग्रोथ सीरम। तो आज मैं आप सभी लोगों दोस्तों थ्राइव हेयर ग्रोथ सीरम का रिव्यू देने वाला हूँ। ये जो थ्राइव हेयर ग्रोथ सीरम है ना, ये हेयर के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बेस्ट सीरम है। एक्चुअली हेयर के अकॉर्डिंग ना आज के टाइम पे हेयर फॉल, हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो और हेयर ग्रोथ होना बिल्कुल भी बंद हो चुका है। अगर आपका हेयर ग्रोथ नहीं होगा ना, तो हेयर लॉन्ग नहीं हो पाएगा, हेयर स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, हेयर हेल्थी नहीं हो पाएगा। और हेयर ग्रोथ स्टॉप होने का मतलब ये होता है कि स्कैल्प की ब्लड की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। और इस अकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये थ्राइव सीरम इस्तेमाल करोगे, जो हेयर ये इसका जो रिज़ल्ट होता है ना, ये इतना ज़्यादा बेस होता है कि आपका जो गंजापन है, ये वो प्रॉब्लम को भी दूर कर सकता है, ये उस प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकता है। जिन लोगों के हेयर ग्रोथ पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं, उन उसके बाद भी आप सोच रहे हो कि हमारा जो है कुछ ऐसा मेडिसिन मिल जाए, या फिर मतलब कोई भी ऐसा हेयर ग्रोथ सीरम मिल जाए जिसको लगा करके हम जो है अपने बालों की यानी कि अपने हेयर की कंडीशन को अच्छा और बेहतर कर सकें। तो मैंने बहुत सारी जगह पे जो है देखा कि थ्राइब को यानी कि जब भी गूगल पे जाता हूँ तो थ्राइब को हेयर ग्रोथ सीरम, जब भी यूट्यूब पे जाता हूँ तो थ्राइब को, फेसबुक पे जाता हूँ तो थ्राइब को, आखिर ये क्या है थ्राइब को? तो मैंने चेक किया मतलब, और जब मैं जाना तो सोचा मैं चलो इसके बारे में जो है थोड़ा सा रिव्यूज़ करने की कोशिश करते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर मतलब इसकी सच्चाई क्या है। अगर आपके बाल पूरी तरीके से जो है झड़ चुके हैं तो आपके ऊपर कितना इफ़ेक्ट करता है, क्या आपके जो झड़े हुए बाल हैं वो वापस से आ सकते हैं, तो मैं क्या मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ और मेरा हेयर का कंडीशन क्या है, कौन से डॉक्टर से जो है मैंने कंसल्ट किया है, क्या मेडिसिन ले रहा हूँ, सारी बातें जो है जानेंगे और थ्राइब को जो हेयर ग्रोथ सीरम है उसके बारे में भी जानेंगे, किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो देखो भाई ने बताया कि मतलब भाई अपने हर एक वीडियोस में बताते हैं, जो भी प्रोडक्ट बताते हैं हर एक वीडियोस में बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ले लो बहुत अच्छा काम करता है, आपके बाल ख़त्म हो गए फिर भी आप जो है आप अपने बालों को वापस पा सकते हो, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर आप देखो सबसे पहली बात तो ये जान लो कि अगर आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी कि मेरे जैसा मतलब बहुत ज़्यादा स्किन पूरी तरीके से चिकना हो चुका है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए उसको वापस से उगाना यानी कि उसकी रीग्रोथ कराना बहुत मुश्किल होता है, वो बाल वापस से नहीं आते बिना ट्रांसप्लांट के। अगर आप ट्रांसप्लांट ही आपके पास ऑप्शन बचता है तो उसके ज़रिए जो है आप भी जो है अपने बालों को वापस पा सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी मेडिसिन या फिर मतलब कोई भी मिनोक्सिडिल हो चाहे कोई भी सीरम हो, उससे जो है आपके बाल वापस नहीं आते हैं। तो इसमें अगर आप हम थ्राइबको की बात करें तो थ्राइबको में जो है रिडेंसिल है और प्रोकापिल है, जो कि कुछ इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके हेयर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि अगर आप अपने बालों में जो है अप्लाई करते हो तो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं आपके हेयर ग्रोथ के लिए और अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपके बाल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं यानी कि आपके हेयर रूट पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं, तो आप ये उम्मीद बिल्कुल भी मत लगाना कि कोई भी प्रोडक्ट जो है आपके बालों में काम करेगा या फिर मतलब आपके दोबारा से बाल उग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे भाई। तो बेसिकली जो है ये प्रोडक्ट होते हैं उन लोगों के लिए होते हैं जिनके इनिशियल फेस में जो है हेयर लॉस हो रहा है, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि उनका हेयर फॉल जो है कंट्रोल हो सके, या फिर मतलब जिनके हेयर मतलब पतले पतले हो रहे हैं, श्रिंक हो चुके हैं, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को मोटा करने के लिए यानी कि उनकी थिकनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप खाली सर में जो है आप इसको इस्तेमाल करोगे तो कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी चाहे मतलब थ्राइबको से मतलब नहीं है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सीरम हो, चाहे मिनोक्सिडिल हो। मिनोक्सिडिल भी क्या करता है, मिनोक्सिडिल भी आपके ब्लड को सर्कुलेशन कराता है ताकि आपके बालों की जो आपके रूट हैं, जो आपके हेयर रूट हैं, उनको बालों के रूट को अच्छी तरीके से पूरा जो न्यूट्रिशंस आप जो खाना खा रहे हो उनमें से जो न्यूट्रिशंस प्रोटीन विटामिन ई विटामिन सी जो भी आपके बालों को चाहिए वो प्रॉपर तरीके से आपके बालों को मिल सके।
तो उसके लिए ये जो है आपके बालों को अच्छे तरीके से काम करता है, ताकि उस लिए जो है हम मिनोक्सीडिल को यूज़ करते हैं। और डॉक्टर से भी, अगर आप किसी भी डॉक्टर से जो है कंसल्ट करते हो, तो आपको मिनोक्सीडिल प्रिस्क्राइब करता है, यानी कि सजेस्ट करता है, ताकि आपके जो हेयर पे, यानी कि आपके स्कैल्प पे, यानी कि आपके हेड पे जो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, आपके बालों को जो खाना मिलना चाहिए, जो प्रोटीन मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिशंस आपके बालों को नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी वजह से जो है आपका हेयर लॉस होने लगता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, एक रीज़न नहीं होता हेयर लॉस होने का। हेयर लॉस होने के जेनेटिक भी हो सकता है, एलोपेशिया भी हो सकता है, और आपके जो है विटामिन्स डिफिशेंसी भी हो सकती है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, उन रीज़न को जानने के बाद ही आपके आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है। तो पहली बात तो ये कि मतलब अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो गया है या फिर मतलब कम हुआ है, तो पहले तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं जो है एड ऑन पहले तो ट्राई यूज़ किया था, ट्राई से जो है रिजल्ट मेरे को देखने को मिल रहा था, बट उतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि ट्राई भी मतलब अच्छा काम कर रहा था, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो मेन रीज़न था मेरा जो है, मेरे पास उतना बजट नहीं था जो कि हर महीने जो है मैं उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकूं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसकी वजह से जो है मैंने ट्राई को क्विट, यानी कि एग्जिस्ट कर दिया, उसको क्विट कर दिया। अब मैं जो है एड ऑन हेयर केयर के जो है से जो है मैं कंसल्ट किया हूँ, तो उसने भी मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोली है, जो कि बोली है सिर्फ कि आपके जो रूट्स पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं, उनको दोबारा से वापस ग्रो नहीं करा सकते, यानी कि आपके जो, यानी कि जो ये हेयर लाइंस होती है, इसको वापस से जो है रिग्रोथ नहीं करा सकते। अगर आपका क्रॉन एरिया जो है थोड़ा सा खाली हो चुका है, और उसमें थोड़े से भी अगर आपके हेयर रूट वापस यानी कि बचे हुए हैं, उनको उनकी ग्रोथ करा सकते हो, उनको जो है अगर उनके जो श्रिंक हो चुके हैं या फिर मतलब आपके जो थिन हो चुके हैं, उनको ठीक करा सकते हो। उसकी वजह से जो है उन्होंने जो है कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था, जो कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, साइड में मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया था। एक अपॉइंटमेंट ये है और एक अपॉइंटमेंट फिर मैंने बुक किया था, क्योंकि मेरे डॉक्टर से बात हो नहीं पाई थी, फिर दोबारा से मैंने बुक किया था, तो मेरी डायरेक्ट मतलब जो है वीडियो कॉल पे मैंने बात की थी, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि उनको मतलब कुछ मेडिसिन, यानी कि एक जो है मिनोक्सिडिल सिडिल यूज़ करने के लिए, और कुछ विटामिन्स की डिफिशियंसी हो रही थी, प्रोटीन है, और जैसे विटामिन ई है, विटामिन सी है, ये मतलब कुछ विटामिन्स की डिफिशियंसी हो रही है, उसकी वजह से जो है कुछ चीज़ें जो है मुझे सजेस्ट की थी, लेकिन आज तक मेरे पास आई नहीं है। राइट, तो अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है या फिर मतलब ज़्यादा हेयर फॉल आपका हो चुका है, तो आप सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपका डॉक्टर, बिना डॉक्टर के से कंसल्ट किए जो है आप कोई भी मेडिसिन यूज़ मत करो, उससे जो है हो सकता है कि आपको बेनिफिट देखने के बजाय आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। हालांकि मतलब ये कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आप मिनोक्सीडिल यूज़ करोगे तो मिनोक्सीडिल का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आप मिनोक्सीडिल एक बार यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, तो आप बीच में क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बीच में क्विट करोगे तो आपका बाल जो है वापस से झड़ना चालू हो जाता है। तो इसलिए जो है मिनोक्सीडिल को परमानेंटली यूज़ करना पड़ता है। तो मिनोक्सीडिल जब भी यूज़ करो तो सोच समझ के ही मिनोक्सीडिल यूज़ करना, अदरवाइज मत करना। तो उसकी जगह पे कोई भी हेयर ग्रोथ सीरम ले सकते हो, जैसे कि मैं इसी सीरम का रिव्यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी ले सकते हो। इसमें प्रोकैपिल और रेडेंसिल है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या फिर मतलब कम हो रहा है, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, क्योंकि मैंने जितने भी डॉक्टर से मैंने बात की, ट्राया से, चाहे वो ट्राया का डॉक्टर हो, चाहे वो एड ऑन हेयर केयर का डॉक्टर हो, सारे डॉक्टर्स मुझे यही मतलब बोलते हैं कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, और आपको जो विटामिन्स की डिफिशियंसी हो रही है उसको पूरा कीजिए। उसके बाद में जो है आपका हेयर का जो कंडीशन है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, उसमें बहुत आपके बाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं पहले से।
तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए और अपनी डाइट में जो है प्रॉपर तरीके से प्रोटीन और विटामिन ए, जिंक, अमीनो एसिड जो आपके बालों को बनाते हैं वो चीज़ें जो है अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए, ऐड कीजिए, तो उससे जो है आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और लेट मत कीजिए, अगर आप जितना लेट करेंगे और ज़्यादा हेयर फॉल हो जाएगा तो आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, जो कि हम एक नॉर्मल इंसान जो है कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है ट्रांसप्लांट को, क्योंकि 50,000 से लेकर के 1 लाख तक उसकी प्राइस जो है जाती है। तो उससे बचने के लिए जो है आप अपने स्टार्टिंग में यानी कि इनिशियल फेस में जो है अपने बालों को कंट्रोल कीजिए और अपने बालों की, अपने हेयर की केयर कीजिए, ताकि जो हेयर आपकी श्रिंक हो चुके हैं यानी कि जो थिन हो चुके हैं उनको मोटा कर सकें। तो अपनी डाइट को बेहतर कीजिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब,